हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 2 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 2/10/24 के लिए। तो देखिए, 2 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन देखिए, 2 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, जो कि मैंने आप लोगों को 1 तारीख के लिए कल्याण के लिए OTC दिया था और कुछ मैंने आप लोगों को जोड़ी भी दिया था। देखिए, मैंने आप लोगों को सबसे पहले, ठीक है, अगर आप लोगों ने 1 तारीख का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा ही कि मैंने आप लोगों को कुछ जोड़ी भी दिया था और जोड़ी पे मैंने आप लोगों को 64 जोड़ी पे दिया था, ठीक है? अगर आप लोगों ने 1 तारीख का वीडियो देखा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जोड़ी देखा था या नहीं। मैंने आप लोगों को कुछ जोड़ी दिया था और उनमें से देखिए मैंने आप लोगों को 64 जोड़ी पे भी दिया था। और देखिए, मैंने आप लोगों को 1 तारीख के लिए कल्याण के लिए OTC में यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग OTC में यहाँ पर देखिए 2/7 दिया था, नॉर्मल OTC में यहाँ पर देखिए 1/6 दिया था। और देखिए, 1 तारीख के गेम में क्या गेम बना था? 1 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 64 का जोड़ी गेम बना था। तो देखिए, मैंने आप लोगों को जोड़ी पे 64 भी दिया था, तो जोड़ी से भी यहाँ पर देखिए हमें 64 जोड़ी पे सक्सेस मिला है। जोड़ी से भी सीधा गेम पास देखने को मिला है, जोड़ी से भी गेम सक्सेस देखने को मिला है। और मैंने आप लोगों को देखिए OTC में भी यहाँ पर देखिए नॉर्मल OTC में यहाँ पर देखिए 1/6 दिया था, तो OTC से भी यहाँ पर देखिए 6 ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को जोड़ी देखने को मिला था या नहीं, आप लोगों ने जोड़ी देखा था या नहीं, ठीक है? और आप में से कितना लोगों को गेम पास देखने को मिला है, कितना लोगों को गेम सक्सेस देखने को मिला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इसी बात पे। OTC से भी देखिए 6 ओपन गेम में गेम पास देखने को मिला है और जोड़ी से भी यहाँ पर देखिए सीधा के सीधा जोड़ी से भी गेम पास देखने को मिला है, जोड़ी से भी गेम सक्सेस देखने को मिला है। इसी बात पर आप सभी को दिल से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और आप लोग अभी के अभी कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कितना लोगों को गेम पास देखने को मिला है, कितना लोगों को गेम सक्सेस देखने को मिला है और आप लोगों ने जोड़ी देखा था या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और अभी देखिए, आज के वीडियो पे हम 2 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। देखिए, 2 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और देखिए, आज जो मैं आप लोगों को 2 तारीख के लिए लाइन दिखाने वाला हूँ, देखिए लाइन बहुत ही अच्छा होने वाला है और उसी लाइन के हिसाब से यहाँ पर 2 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन सबको यहाँ पर कट कर देते हैं और क्लियर कर लेते हैं और डेट को भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, जो कि आज हम 2 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे। तो देखिए, लाइन कहाँ से देखेंगे और कैसे देखेंगे, देखिए लाइन यहाँ पर 1 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 1 तारीख के गेम से देखिए सबसे पहले ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकेंड लाइन देखेंगे और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, ठीक है? मतलब कि तीन लाइन देखेंगे, तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 2 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को साइड में और एक बार लिख लेते हैं, ओपन पैनल पे 330 का अंक। उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं, जोड़ी गेम में 64 का जोड़ी गेम। उसके बाद थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं, क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 699 का अंक, ठीक है? तो अभी देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन देखेंगे, जो कि ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 330 का अंक। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 और 3 को जोड़ेंगे,
थ्री और थ्री को जोड़ेंगे सिक्स का अंक बनेगा, उसके बाद थ्री और ज़ीरो को जोड़ेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है ज़ीरो का वैल्यू वन, तो थ्री और वन को जोड़ेंगे फोर का अंक बनेगा, उसके बाद सिक्स और फोर को जोड़ेंगे टेन का अंक बनेगा, उसके बाद देखिए फिर से ज़ीरो का वैल्यू वन, तो वन और वन को जोड़ेंगे टू का अंक बनेगा, वन और वन को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से ज़ीरो का अंक बनेगा। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है। देखिए लाइन तो हो गया है फर्स्ट लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, थ्री थ्री ज़ीरो का अंक, तो सबसे पहले हमने थ्री और थ्री को जोड़ा सिक्स का अंक बना, उसके बाद थ्री और वन को जोड़ा फोर का अंक बना, उसके बाद सिक्स और फोर को जोड़ा टेन का अंक बना, उसके बाद फिर से वन और वन को जोड़ा टू का अंक बना, वन और वन को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से ज़ीरो का अंक बना है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लाइन हो गया, तो अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे, तो देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए क्या था, जोड़ी गेम में 64 का जोड़ी गेम, तो फिर से यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिक्स और फोर को जोड़ेंगे टेन का अंक बनेगा, उसके बाद फिर से ज़ीरो का वैल्यू वन, तो वन और वन को जोड़ेंगे टू का अंक बनेगा, वन और वन को फिर से माइनस करेंगे फिर से ज़ीरो का अंक बनेगा। तो देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है। सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में 64 का जोड़ी गेम, सबसे पहले हमने सिक्स और फोर को जोड़ा टेन का अंक बना, उसके बाद वन और वन को जोड़ा टू का अंक बना, वन और वन को फिर से माइनस किया फिर से ज़ीरो का अंक बना है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है। तो लाइन ठीक है, तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी देखिए सेकंड लाइन भी हो गया है, तो अभी रह गया थर्ड लाइन, तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 699 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिक्स और नाइन को जोड़ेंगे, सिक्स और नाइन को जोड़ेंगे 15 का अंक बनेगा, 15 से फाइव को लिखेंगे वन रहने देंगे, उसके बाद नाइन और नाइन को जोड़ेंगे 18 का अंक बनेगा, और वन जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 19 का अंक बनेगा, उसके बाद फिर से फाइव और वन को जोड़ेंगे सिक्स का अंक बनेगा, वन और नाइन को जोड़ेंगे फिर से 10 का अंक बनेगा, उसके बाद फिर से सिक्स और वन को जोड़ेंगे 7 का अंक बनेगा, वन और वन को जोड़ेंगे क्योंकि ज़ीरो का वैल्यू वन, टू का अंक बनेगा, उसके बाद सेवन और टू को जोड़ेंगे 9 का अंक बनेगा, सेवन और टू को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 का अंक बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 9 और 5 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, देखिए लाइन तो हो गया है थर्ड लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 699 का अंक। तो सबसे पहले देखिए हमने 6 और 9 को जोड़ा 15 का अंक बना, 15 से 5 को लिखा 1 रहने दिया, उसके बाद 9 और 9 को जोड़ा 18 का अंक बना, और 1 चुरा गया था उसको लिया फिर से 19 का अंक बना, उसके बाद फिर से 5 और 1 को जोड़ा 6 का अंक बना, 1 और 9 को जोड़ा 10 का अंक बना, उसके बाद फिर से 6 और 1 को जोड़ा 7 का अंक बना, 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, उसके बाद फिर से 7 और 2 को जोड़ा 9 का अंक बना, 7 और 2 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 का अंक बना है। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 9 और 5 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए लाइन ठीक है, तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 9 और 5 का अंक देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला है, और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 9 और 5 का अंक देखने को मिला है। तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, देखिए ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है। ठीक है, मतलब कि अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, वो जाएगा फाइनल गेम में। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें टू और ज़ीरो का अंक देखने को मिला था, तो जैसे कि आप लोगों को पता है ज़ीरो का वैल्यू वन, ज़ीरो की जगह पर वन, तो देखिए टू और वन को फिर से माइनस कर देंगे। ठीक है,
तो 2 और 1 को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 कांग बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए 1 कांग, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 2 और 0 कांग देखने को मिला था, तो फिर से 0 का वैल्यू 1। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिर से 2 और 1 को जोड़ देंगे, 3 कांग बनेगा। उसके बाद 2 और 1 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 कांग बनेगा। अभी हम 3 और 1 को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। तो सेकेंड लाइन में यहाँ पर देखिए होगा 2 कांग, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 9 और 5 कांग देखने को मिला था, तो 9 और 5 को फिर से जोड़ देंगे। सबसे पहले 9 और 5 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 14 कांग बनेगा, 1 और 4 कांग। अभी देखिए जो ये 1 और 4 कांग देखने को मिला है इसको फिर से जोड़ देंगे और माइनस भी करेंगे, ठीक है। तो 1 और 4 को सबसे पहले जोड़ देंगे, 5 कांग बनेगा। 1 और 4 को माइनस करेंगे, 3 कांग बनेगा। अभी 5 और 3 कांग देखने को मिला है, अभी 5 और 3 को फिर से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। लेकिन देखिए हमें सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से तो ऑलरेडी पहले से 2 कांग देखने को मिला है, तो इसीलिए देखिए जो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी 2 कांग देखने को मिला है इस 2 कांग को हम नहीं देखेंगे, 2 के फैमिली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 कांग, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 कांग देखने को मिला है इसीलिए, ठीक है। तो अभी देखिए 3 अंक निकला है, देखिए क्या क्या है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में 1 कांग, सेकंड लाइन में 2 कांग और थर्ड लाइन में 7 कांग। तो देखिए 3 लाइन के हिसाब से 3 अंक निकला है, लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए, क्योंकि हमें 4 अंक चाहिए। तो और एक अंक चाहिए तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए सेकेंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 कांग देखने को मिला है और 2 का फैमिली थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से 7 कांग देखने को मिला है, तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से 1 कांग देखने को मिला है, तो 1 के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 1 का फैमिली 6 कांग, ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए 4 अंक निकल गया है, तो इसका मतलब लाइन पूरा हो गया है। तो अभी हम इन सबको कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाएगा। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए 1 और 6 कांग जाएगा, ठीक है। तो देखिए ओटीसी का तो हो गया है, ओटीसी देखने को मिल गया है। तो अभी मैं आप लोगों को साथ में कुछ जोड़ी भी दिखाऊंगा। तो अभी देखिए जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा 22 का जोड़ी, उसके बाद होगा 20 का जोड़ी, उसके बाद होगा 72 का जोड़ी और होगा 70 का जोड़ी, उसके बाद होगा 12 का जोड़ी और होगा 10 का जोड़ी, उसके बाद होगा 62 का जोड़ी और होगा 60 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, और एक बार बोल देता हूँ जोड़ी में क्या क्या है, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 22 का जोड़ी, 20 का जोड़ी, 72 का जोड़ी, 70 का जोड़ी, 12 का जोड़ी, 10 का जोड़ी, 62 का जोड़ी और 60 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है। और ओटीसी में यहाँ पर देखिए क्या क्या देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 2 और 7 कांग देखने को मिला है और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए 1 और 6 कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए गेम देखने को मिल गया, जो कि यहाँ पर 2 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।